फार्मर्स रहा तो छमना भी पेट को खाना मिलने का, तो फार्मर्स के साथ ना इंसाफी हो रही है तो हमारे साथ ना इंसाफी नहीं मिल को हमें ये खो को आवाज उठाएगा तो हमें ये बीजेपी जो मोदी गवर्नमेंट है उनको हमें हरा सकती है। हमारी एक एक ताकत है, एक हमारी आवाज है, हमें हमारी आवाज को हमें बुलंद करेंगे। आप सबका फिर से स्वागत है, मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, बेंगलुरु शहर में आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग छोटे मोटे काम कर बड़ा अंजाम दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों के एक्चुअली खिदमत करते हैं, लोगों को अपना समझ के, अपना मोहल्ला, अपना वार्ड समझ के लोगों के लिए खिदमत करते हैं, लोगों के लिए मदद करते हैं। आज उसी तरह से एक ऐसी शख्सियत से हम मिलेंगे और बात करेंगे जिन्होंने बहुत से नौजवान लड़कों को, बहुत से लड़कियों को बहुत से फैसले किए हैं, बहुत सी लड़कियों की और लड़कों की जिंदगियों को संवारा है, बहुत से भूखों को खाना खिलाया है और बेसहारों को सहारा दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ताज खान की, जो एरिक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर हैं। तो जिस तरह से इनकी खिदमत है, जिस तरह की इनके मदद है लोगों में, आज जब हिंदुस्तान को इनकी ज़रूरत है, जहाँ किसान की बात आती है, जिसके वजह से आज मैं और ये इस जगह पर बैठे हैं, ऐसे वक्त में कितने लोग इनके साथ प्रोटेस्ट करेंगे, आज हम इनसे बात करेंगे। और किसान के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, ये हम इनसे जानेंगे। देखिए, ये बात जो फार्मर्स का इश्यू है, हमें बहुत बहुत फर्स्ट भी जो बहुत साल से फार्मर्स का इश्यू है, ये हमें इसके ऊपर फर्स्ट भी आवाज उठा को ही और आगे भी उठाते हैं। जब तक फार्मर्स जो ही फार्मर्स को जब तक का हक नहीं मिलता, हमें जब तक का नहीं छोड़ते। जो एक कल की जो भारत बंद की जो ये बात हो रही है, हमें इसके साथ जो फार्मर्स के ऊपर, तुम्हें देखे तो पूरे हर ऑर्गेनाइजेशन से, हर एनजीओ से, ट्रस्ट वाले ही, संघे से, इनों सभी सपोर्ट है, हमें भी उनके साथ सपोर्ट में ही। क्यों होगा तो आप तुम्हें देख रही, हमें देख रही, हर आदमी भी जानता है, जब फार्मर्स रहा तो छमना भी पेट को खाना मिलने का, तो फार्मर्स के साथ ना इंसाफी हो रही है तो हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है। हमें हक के साथ खड़ेंगे। अब तुम्हें देखे सरकार भी, बीजेपी गवर्नमेंट जब से आको है, अदानी अंबानी पूरे इंप्रूवमेंट होने को जा रही, पूरे ये हो रही। अब जो मेहनत पढ़ को कमाने वाला जो फार्मर है, उन्हें किधर इंप्रूव हो रहा है, कहा ये हो रहा है, अभी तुम्हें देख रही। बहुत साल से ये इश्यू हो पाए, इसके ऊपर कोई भी आवाज नहीं उठा रही। अब ये पूरे जितने भी ये संघे जो भी ही, जितने भी तंजीम आई, पूरे मिलको जो बन का ऐलान कर कोई, हमें भी उसके साथ ही इंशाल्लाह और भी आगे भी खड़ती, हमें इसके ऊपर आवाज 100% जरूर से उठाती है। कल भी हमें पूरे हमारे जितने भी हमारे रिलेटेड हमारे एनजीओस के और हमारे सपोर्टर्स जितने भी, हमें कल एक प्रोटेस्ट कर रहे, हमें यहाँ से निकल रही, हमें टाउन हॉल तक, हमारे जितने भी जो भी हमारे एनजीओस के फॉलोअर्स हैं और हमारे जो हमारे मेंबर्स हैं, मैं उनसे सब जनों से क्या गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे ऑफिस से हमें कल हमें टाउन हॉल के पास एक रैली के इससे हमें निकल रही, तो पूरे जिन्हें मिलकर हमें ये खो का आवाज उठाएगा तो हमें ये बीजेपी जो मोदी गवर्नमेंट है उनको हमें हरा सकती है। को हमारी एक एक ताकत है, एक हमारी आवाज है, हमें हमारी आवाज को हमें बुलंद करेंगे। कि वो बोले थे, जब से बीजेपी मोदी गवर्नमेंट है, हर आदमी को हर तकलीफ, वो हर स्टेट में रंदे, चाहे वो कर्नाटका में रंदे, महाराष्ट्र में रंदे, यूपी में रंदे, बिहार में रंदे, हर एक जगह हर आदमी को तकलीफ हो रही है। यानी कि मैं जात के बारे में नहीं बोलता, हर इसमें तुम्हें देखे तो हर जात के आदमी को भी तकलीफ है। हमें आज आवाज नहीं उठाए तो आने वाली जो नस्ल है, जो आने वाली जो ये ही बच्चे ही, उनको तकलीफ होती है। बोलकर मैं सबसे इतना गुजारिश करता हूँ, सब जने एक होकर आवाज उठेंगे। तक ये बीजेपी गवर्नमेंट है, ये बीजेपी गवर्नमेंट रहे तक हमें कुछ नहीं कर सकते। हमें गवर्नमेंट को गिराना है, हमें गवर्नमेंट को गिरा को हमें ये खो को रहेगा तो हमें गवर्नमेंट को हरा सकती है। जब तक बीजेपी गवर्नमेंट, और तुम्हें अब ये बोल रही फार्मर्स के बारे में, बहुत सारे इश्यू हो कोई, अभी उनकी सरकार है, उनका ये है, हर एक चीज रहा, तो उसके ऊपर कौन आवाज उठाता है, उसे दबाने की कोशिश करती है बीजेपी गवर्नमेंट वाले। तो ये गवर्नमेंट को हमें जब तक नहीं हरा सकते, हमें कुछ नहीं कर सकते। औरतों का समाज जुल्म कर रहा है औरतों के ऊपर, ये सरकार की बात आती है या इंसान अपने जहन को बदलने की बात आती है? आपके प्लेटफॉर्म के लिए आपकी बात को लोग सुनते हैं, नौजवान आपको फॉलो करते हैं, वो नौजवान जो आपके सामने आकर खड़कर आपकी इज्जत करते हैं, वही नौजवान घर में जाकर अपनी बीवियों को मारते हैं, इसमें सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? तो इसमें आप क्या कहेंगे उन नौजवानों को? नहीं, अभी तुम्हें देखे जब मोदी गवर्नमेंट से ये बेटी बचाओ का जो भी आंदोलन ले लेकर है, ऐसा एक सख्त कानून ले लगाना,
एक सख्त एक सही कानून ले लगा को जो कानून आदमी आदमी तक एक बच्चे बच्चे तक आप पहुंचाए, तो कानून से अभी हर आदमी भी क्या था, भी कुछ हुआ तो बीजेपी गवर्नमेंट है डरती है, ऐसा कुछ कानून इनो भी ले लगा एक ले लगा को हर बच्चे तक आप पहुंचाए, तो हर एक आदमी से एक बड़े बूढ़े से हर एक को एक पहुंचाने की एक उनकी जिम्मेदारी है, ऐसा सख्त कानून ले लगा, तो यह सब कुछ नहीं हो सकता अगर को मेरे किराए है।